इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट. देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सबको मालूम है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ऐसे करके हम बोल दिया करते हैं. लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ी बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, अपने को थोड़ा और डीप में इसको स्टडी करना है. कैसे, मान लो ये आपके पास एक कंडक्टर है, एक वायर है और ये कंडक्टिंग वायर है, थोड़ा बड़ी बनाई मैंने. और मान लो एक मिनट के लिए ये इसके अंदर का पोर्शन है, अंदर का पोर्शन है जो दिखाई नहीं दे रहा आप, लेकिन अंदर कुछ तो पोर्शन होगा, सॉलिड वायर है. अब मेरे को ये समझ में आता है कि जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करते हैं रूम टेम्परेचर पे एनर्जी को लेके, बैलेंस बैंड्स में होते हैं तो दे आर फ्री टू मूव. तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है विच आर फ्री टू मूव. तो पहला क्वेश्चन, रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ कॉपर की वायर करंट क्यों नहीं शो करता जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, रेंडम मोशन में होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो फ्री टू मूव है, क्या दिक्कत है, करवाओ मूव. तो करंट भी तो जनरेट करेगा ना, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम. और ये भी आपके बोलो डायरेक्शनलेस है, तो ऐसा बोलना चाहिए सारे के सारे जब तक एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा. हाँ सही है, एक डायरेक्शन में नहीं है. तो एक्चुअल में रूल ये है कि मान लो इसका एक सरफेस एरिया है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है और बदले में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो गिवन क्रॉस सेक्शन को एक इलेक्ट्रॉन राइट पास कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट पास कर रहा है, तो जो करंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा उसका, जीरो. क्योंकि अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एक करंट इधर एक करंट इधर, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा. तो अगर इसमें लाखों इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं, लाखों लेफ्ट आ रहे हैं, रेंडम मोशन है, तो उनका अफेक्ट कभी भी करंट में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता, कोई डाउट इसमें? तो इसलिए रेंडम मोशन में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता. हालांकि रेंडम मोशन में एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है बहुत ज्यादा होती है, 10^5 मीटर पर सेकेंड तक हो जाती है, जो बहुत ज्यादा है, क्विकली, बहुत क्विकली मूव करता है, लेकिन फिर भी करंट कॉन्ट्रीब्यूट कर नहीं पाता क्योंकि रेंडम मोशन में नेट अफेक्ट क्या माना जाता है, जीरो. पहला पॉइंट क्लियर है. तो फिर करंट क्या चीज है, जब तक सारे इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि करंट जो है करंट में कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया. तो अगर सारे के सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मान लो मैं यहां पर वेट करता हूं और ये चेक करता हूं कि इसमें टोटल चार्ज कितना चला गया डेल्टा क्यू और कितने टाइम में डेल्टा टी टाइम में, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यानी कि टोटल चार्ज मूव कर गया डेल्टा क्यू कितने टाइम में डेल्टा टी टाइम में, तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ जाती है. ठीक वैसे ही जैसे हमने मोशन में किया था कि डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी कवर कर गई इन डेल्टा टी टाइम, तो इसको क्या बोलते थे, वेलोसिटी, रादर इसको क्या बोलते थे, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती थी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक ऐसे ही अगर मैं ये टर्म यूज करता हूं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो करंट को भी क्या बोलेंगे, एवरेज अमाउंट ऑफ करंट है. तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम इज एवरेज करंट है. लेकिन अगर मैं इंटरवल छोटा कर दूं, बहुत कम टाइम में देखूं, बहुत कम टाइम में बहुत कम चार्ज है लेकिन फिर भी लिमिट को यानी कि डेल्टा टी को जीरो पुट करूंगा, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी की कन्वर्जन किस में हो जाती है, डी क्यू बाय टी टी. तो इस करंट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट है. ठीक वैसे ही जैसे इसमें डेल्टा टी का इंटरवल बहुत छोटा है तो इसको लिखा जाता है डी एक्स बाय डी टी, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में जो फर्क है, वैसे ही एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट में भी उतना ही फर्क है. तो ये टर्म हमारे पास आ गई, तो इसको हम बोलेंगे एवरेज करंट, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट. और इंस्टेंटेनियस करंट अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, एवरेज करंट तो कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा. कभी कभी करंट जनरेट, जो हम करंट स्टडी करेंगे वो बैटरीज का करंट होगा. और करंट मूव करने का रीजन क्या होता है, चार्ज मूव इसलिए करता है क्योंकि एक बॉडी हायर पोटेंशियल पे और दूसरी लोअर पे. पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल. तो व्हेन देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज की मूवमेंट देखी जा सकती है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई चार्ज की मूवमेंट नहीं होगी. क्लियर यहां तक? तो कभी कभी क्या होता है, क्लाउड्स हैं, कोई पॉजिटिव आयन का क्लाउड है, कोई नेगेटिव आयन का क्लाउड है, कभी कभी क्लैश कर जाते हैं हवा में और होती है लाइटनिंग, हो जाती है बहुत ज्यादा. लाइटनिंग से भी करंट जनरेट होता है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो जैसे इट कॉन्टैक्ट में आते हैं चार्ज फ्लो करता है.
लेकिन ये चार्ज जो फ्लो करता है बहुत ही कम टाइम के लिए फ्लो करता है, बस लाइटिंग होती है काम खत्म हो जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूसली फ्लो ऑफ करंट नहीं है। तो जो बहुत छोटे इंटरवल के लिए करंट जनरेट होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ऐसे करंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट करंट्स। और हम ट्रांजिएंट करंट्स को बाद में स्टडी करेंगे, अभी स्टडी करंट को स्टडी करेंगे जो कॉन्टिन्यूसली सर्किट में अपनी मोशन बना के रखेगा। ठीक है यहाँ तक? करंट जो हमारे घरों में अप्लायंसेज हैं उसमें 1 एम्पियर 2 एम्पियर बस इतना की करंट यूज किया जाता है। जो लाइटनिंग है बिजली गिरती है 10 की पावर 4 एम्पियर का करंट है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट है। और जो हमारे नर्व्स हैं उनके अंदर भी करंट होता है बॉडी के अंदर 10 की पावर -6 एम्पियर यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर। कभी कभी आप टीवी में देखते हैं एक आध बंदा मिल जाता है जो अपने बॉडी से बल्ब भी चला देता है, उसको करंट भी नहीं लगता। ऐसे कई बंदे मिल जाते हैं, उनके नर्व थोड़ा ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं इसका मतलब। तो मुझे नहीं पता उसमें क्या है, वो फिनोमेना नहीं पता उसमें ऐसा क्यों होता है, बाई नेचर ही है, पता नहीं यार। टीवी पे आ जाते हैं इतना पता है। किस किस में? यहां तक क्लियर है? अगर एक कंडक्टर है और पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है और करंट अगर आप पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले उसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज राइट मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लेफ्ट मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव जो की तरफ से जो करंट है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन के करंट को स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस किया हुआ करंट जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है। इस ग्राफ में क्या गिवन है? इस ग्राफ में ये गिवन है कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और करंट और टाइम ग्राफ में ये गिवन है कि करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और आपको इसमें टोटल चार्ज बताना है 0 से 10 सेकंड तक कितना है। अब जो करंट होता है वो क्या होता है? करंट होता है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। डी क्यू क्या होता है? आई इंटू डी टी। टोटल चार्ज क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ये टोटल चार्ज है। अब इसके अंदर सपोज करो ये टाइम है और ये आई है, अगर सपोज करो ये ग्राफ है और अगर मैं इस ग्राफ का छोटा सा हिस्सा लूं, ये मैंने हिस्सा लिया सच दैट ये क्या है? डी टी, और ये क्या है? आई। दिस इज आई, दिस इज डी टी। तो ऐसे केस में ये जो एरिया है वो क्या होगा? आई डी टी। एरिया इज आई इंटू डी टी। आई डी टी क्या होता है? स्मॉल चार्ज डी क्यू। टोटल अगर मैं एरिया निकाल दूं यहां से यहां तक तो क्या आ जाएगा मेरे पास? टोटल चार्ज आ जाएगा। तो आई डी टी की इंटीग्रेशन क्यू है, जैसे पी डी वी थर्मोडाइनमिक्स नहीं करते थे, पी डी वी की इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन है या एरिया निकाल दो एक ही बात है। तो इसमें भी सेम है, अगर चार्ज टोटल निकालना है कितना फ्लो कर गया, इसके अंडर एरिया निकाल दो। कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ऐड करोगे तो इतने कूलम आपके पास क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चार्ज की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट टर्म है करंट की डेंसिटी। करंट डेंसिटी, मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ये सब आपस में एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं। चार्ज डेंसिटी या करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होती है कि सपोज करो आपके पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से ये क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट पास कर गया टोटल टोटल, और कितने एरिया में से कर गया। तो अगर मान लो इसमें डेल्टा आई इस चेंज इन करंट देखा गया, और जब एरिया कितना है इसका? डेल्टा एस। तो कितना करंट पास कर गया कितने एरिया में से, उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास करंट की डेंसिटी आ जाएगी। करंट डेंसिटी का सिंबल क्या होगा? जे। तो जे इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा एस। ये स्टेप क्लियर है? तो करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई, क्योंकि मैंने टोटल चेंज इन करंट अपॉन टोटल सरफेस एरिया लिया, तो इसका नाम क्या होगा? एवरेज करंट डेंसिटी। पर ये तो कोई जरूरी नहीं,
कि करंट डेंसिटी यहाँ पर सेम हो। करंट डेंसिटी का मतलब है कि सपोज करो अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर मैं ये बताता हूँ कि इसके सेंटर के यहाँ से तो बहुत करंट पास हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा करंट पास हो रहा है, पर इनमें साइड पे इतना करंट पास नहीं हो रहा क्योंकि वायर तो बहुत मोटी है, तो हर पॉइंट पर सेम करंट तो नहीं पास हो सकता। हो सकता है कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास कर रहे हैं, कहीं पर कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने एरिया में से ज़्यादा करंट चला गया, उतने एरिया में से कम चला गया। हम बोलेंगे जहाँ पर ज़्यादा करंट चला गया एरिया में से तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो गई, और जहाँ कम जा रहा है वहाँ डेंसिटी कम हो गई। कोई डाउट इसमें? तो यानी कि डेंसिटी की वैल्यू कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो डेंसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पर डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो, पर हमें पता होना चाहिए कि करंट डेंसिटी कैन चेंज। तो इसके अंदर अगर वही चीज़, अगर एरिया बड़ा है, बड़े एरिया में से डेल्टा आई टोटल करंट पास कर गया, तो डेल्टा आई बाई डेल्टा एस क्या है? करंट डेंसिटी, एवरेज करंट डेंसिटी। और अगर एरिया बड़ा ना होते हुए छोटा है, बहुत छोटा है, तो लिमिट डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में क्या होगा, ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डी आई बाई डी एस। इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी, जो हर एरिया के ऊपर डिफरेंट वैल्यू रख सकती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी आई क्या आएगा? जे इंटू डी एस। और टोटल करंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो टोटल करंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे टी एस। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसको यूज कैसे करना है मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज बता दूँ, जो करंट डेंसिटी होती है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी स्केलर नहीं है, करंट डेंसिटी वेक्टर है। करंट डेंसिटी ये डायरेक्शन देख लेते हैं, जैसे सपोज करो ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर का एरिया ले लिया आपने एस, इसका एरिया सर्फ क्रॉस सेक्शन का एस है, और इसके अंदर करंट राइट की तरफ जा रहा है। करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो उसी तरफ होती है जहां करंट जा रहा होता है। तो करंट अगर राइट जा रहा है तो करंट डेंसिटी राइट की तरफ होगी, करंट अगर लेफ्ट जा रहा है तो करंट डेंसिटी लेफ्ट की तरफ होगी। या कई लोग ऐसे बोलते हैं कि करंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म में इस करंट डिवाइडेड बाय एरिया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, पीछे लगाएंगे एस कैप। एस कैप स्टैंड फॉर एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर राइट भी हो सकता है, एस कैप एरिया वेक्टर लेफ्ट भी हो सकता है, यूनिट वेक्टर। हम एरिया वेक्टर को कहां लेते हैं? जहां करंट जा रहा है। करंट कहां जा रहा है? टुवर्ड्स राइट। तो एस कैप भी कहां जाएगा? टुवर्ड्स राइट। तो एस कैप सीधा सीधा यही बोल देते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में एस कैप होगा, उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी। तो सिंपल है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन करंट के साथ ही रहती है। ये भी स्टेप क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सीधा है, सीधा का मतलब वायर एकदम यूनिफॉर्म है ऐसे, फिर तो ये फॉर्मूला लगता है सही है, आई बाई एस। लेकिन अगर किसी ने वायर को काट दिया, कट कर दिया, ये देखो मैंने काट दिया, कट कर दिया, टेढ़ा कर दिया क्रॉस सेक्शन, अब करंट तो इसमें से भी पास होना ही है, सीधा हो या टेढ़ा हो करंट तो करंट है। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन सीधा होता मेरे हाथ की तरह, फिर एरिया वेक्टर ऐसा होना था एस वेक्टर, और अगर ये टेढ़ा है तो एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर टेढ़ा हो जाएगा। तो आपने ये एरिया नहीं लेना, अब आपने एरिया का क्या ले लेना है? कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट क्या आएगा मेरे हाथ के साथ? परपेंडिकुलर एस कॉस थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एस वेक्टर है, तो एक कंपोनेंट आपने कौन सा लेना है जो एरिया के परपेंडिकुलर है, और एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? एस कॉस थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर थीटा जीरो हो, अगर थीटा जीरो हो तो ऑब्वियसली एस कॉस जीरो क्या हो जाएगा? एस। और ये वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये वाला केस बन जाएगा। पर अगर टेढ़ी वायर कटी हुई है तो आपको एरिया वेक्टर कहाँ लेना है? परपेंडिकुलर। तो आपको एस नहीं लेना, आपको एस कॉस थीटा लेना है। तो इस केस में करंट डेंसिटी क्या आएगी? आई करंट डिवाइडेड बाई एस नहीं, आई करंट डिवाइडेड बाई एस कॉस थीटा। तो इस केस में आई क्या हो जाएगा? जे एस कॉस थीटा। और जे इज अ वेक्टर, एस इज अ वेक्टर, पर करंट इज अ स्केलर, तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा? डॉट प्रोडक्ट। तो करंट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गया जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो करंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये तरीका है करंट को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने का। कोई डाउट इसमें? क्लियर है नितिक? जैसे ये क्वेश्चन पढ़ना,
देखो क्वेश्चन है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन है कितना, 4x2। 4x2 x का मतलब है डिस्टेंस ऑफ, ये वायर है, ये एक्सिस है और ये डिस्टेंस है x फ्रॉम द एक्सिस। x अगर 0 है तो करंट डेंसिटी जे 0 है। एक्स जीरो का मतलब एक्सिस के ऊपर खड़े हुए हो आप, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर, एक्स जीरो पे, तो करंट डेंसिटी जीरो का मतलब वहां पर कोई करंट नहीं है, तो कोई करंट नहीं जाएगा एक्सिस पे। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर की तरफ आ रहे हो, टुवर्ड्स यहाँ पर एक्स बढ़ता जा रहा है, जे बढ़ता जा रहा है, करंट डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो करंट बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे एक्सिस के ऊपर करंट जीरो है, जैसे जैसे दूर जाओगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम करंट कहाँ पर होगा, बाउंड्री पे, आर पे, उसे बाहर तो हवा ही आगे करंट ही नहीं होगा। तो कंडक्टर के अंदर यहाँ यहाँ करंट सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। आपको बताना है कि इस क्रॉस सेक्शन में से सबसे कम करंट एक्सिस पे है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, टोटल करंट कितना है ये बताना है जो वायर में से मूव कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे क्रॉस सेक्शन को इमेजिन कर लिया, बहुत सारी जो ये जो डिस्क की तरह काम कर रहा है या क्रॉस सेक्शन है, ये बहुत सारी रिंग्स का बना हुआ है। मैं एक रिंग का स्मॉल करंट निकालूंगा, मैं सभी रिंग्स का करंट मिला दूंगा और मेरे पास टोटल करंट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले मैंने कोई भी एक रिंग ले ली यहां पर, इस रिंग में से, इस शेडेड पोर्शन में से कितना करंट निकल रहा है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप चेक करो, ये जो रिंग ली इसका रेडियस क्या लिया मैंने एक्स, और थिकनेस क्या ली मैंने डीएक्स। तो जो कलरफुल, ये जो ब्लू कलर में छोटा छोटा ये एरिया दिख रहा है इसके अंदर अंदर, रिंग के अंदर अंदर, उसका एरिया क्या होगा, 2 पाई एक्स इंटू टी एक्स। कोई डाउट इसमें? तो एरिया क्या होगा, 2 पाई एक्स इंटू टी एक्स। ठीक, तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, ऊपर। करंट डेंसिटी भी कहाँ होगी, ऊपर। तो इसमें रिंग में स्मॉल करंट निकालते हैं पहले, रिंग का स्मॉल करंट क्या होगा, डीआई, और फॉर्मूला क्या लगेगा, जे वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो इसमें क्या लगेगा, जे इंटू डीएस इंटू कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि जे भी ऊपर है और डीएस भी ऊपर है। क्लियर है यहां तक? तो जे की वैल्यू पुट कर लेते हैं 4x2, जे इज इक्वल टू 4x2, और एरिया रिंग का कितना है, 2 पाई एक्स इंटू डीएक्स। तो एरिया की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई एक्स इंटू डीएक्स। पुट कर दिया, स्मॉल करंट आ गया रिंग में से, टोटल करंट निकालना है तो जीरो से लेके आर तक, क्योंकि जो आखिरी वैल्यू है एक्स की, वैल्यू क्या हो सकती है, आर, और एक्स की वैल्यू जीरो, एक्सिस से बाउंड्री तक जाना है तो लिमिट क्या लगेगी, जीरो से लेके आर तक अगर इंटीग्रेट करें तो टोटल करंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन, एक्स 4 बाय 4, एक्स की जगह आर और जीरो, दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल करंट जो इस पूरे वायर में से